जैसा कि मैंने आपको सेवन स्टार ट्रेनिंग्स के बारे में बताया था, अब जो ट्रेनिंग सेवन स्टार का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कस्टमर जो ऑब्जेक्शन पूछने वाले होते हैं, सबसे बड़ा टीम मेंबर, सबसे बड़ा प्लेयर वही होता है जिसे उन सारे क्वेश्चन का आंसर पता हो। अगर आप ये जॉब पाना चाह रहे हैं और हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो ये जो सारी ट्रेनिंग हमारी टीम आपको देने वाली, बहुत ध्यान से देखिएगा, पेपर पे नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बार बार इसको ट्रेनिंग को रिवाइज करके देखिएगा, हर सवाल का जवाब आपको इसमें मिलेगा। आइए मैं आपको हमारी टीम से मिलाता हूं, जो हमारी पूरी टीम मैनेज करती है, ये मैडम से, जो पूरा हमारा डिजिटल डिपार्टमेंट देखते हैं, ये सर हमारा पूरा वर्क फ्रॉम होम की टीम को देते हैं, ये मैनेजर्स आपको सारे सवाल के जवाब देने वाले हैं। आइए हम लोग आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट। क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी, जिसमें से जो कस्टमर को जो इन्फॉर्मेशन देनी है किस तरह से देनी है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जैसे कस्टमर ये बोलते हैं कि मैं एडवांस पेमेंट नहीं करूंगा, पार्सल जब मेरे यहाँ पे आ जाएगा तो उसको पहले खोल के देखूंगा, फिर मुझे सही लगेगा तो मैं लूंगा। तो सर इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरह से अपन दे सकते हैं कस्टमर को? जी जरूर मैम, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपके पास कस्टमर्स आते हैं, उनका नाम है महेंद्र जी, तो आप इस तरीके से बात करेंगे कि नमस्कार महेंद्र जी, आपका जो ऑब्जेक्शन था, आपकी जो बात थी, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग आपका जो मटेरियल रहता है वो पहुंचता है कंप्यूटर बाजार ऑनलाइन की तरफ से। आपका जो मटेरियल रहता है आईसीआईसी लोम्बार्ड से पूरा इंश्योरेंस होके आता है, और गति की जो बिल्टी बनती है अपनी, उसी का सिर्फ आपको पहले चार्ज, मिनिमम चार्ज पे करना होता है, और बाकी जो आपका मटेरियल रहता है पूरा उसका सीओडी रहता है। ठीक है सर, इस तरीके का अपने पास पूरा जो सिस्टम है वो बना हुआ है। और इसके बाद जो जैसा आपने पूछा मैम कि आपका जो मटेरियल है वो पहुंचने के बाद मैं सारा पे करूंगा, तो उसमें ये रहता है कि जो आपका मटेरियल रहता है आपको उसी समय पहुंचने के बाद ही आपका मटेरियल का जो पेमेंट रहता है वो पे करना होता है। काफी फ्रेंड्स वगैरह ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि कस्टमर है वो क्या करते हैं कि रेट वगैरह कम करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? जरूर मैम, मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा। महेंद्र जी, जैसा आपने बोला कि सर आपको रेट कम चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में सर आप रेट्स ट्राई कर सकते हैं, और आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे रेट्स ट्राई कर सकते हैं। रिफर्बिश लैपटॉप से लेकर न्यू लैपटॉप तक आपको एक काफी ज्यादा रेट प्रोवाइड होती है, बट अपने यहाँ पर एक फैक्ट्री रेट में आपको जो आपकी प्राइस होती है वो प्रोवाइड होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फैक्ट्री रेट पे, क्योंकि अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क है। ठीक है सर, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में अपने पास सिंगल पीस के कस्टमर भी आते हैं, बट उससे ज्यादा अपने पास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, तो प्राइसिंग की ऐसी कोई समस्या नहीं है। प्राइसिंग काफी बेहतर है, और बहुत शानदार प्राइसिंग के साथ अपन कस्टमर्स को एक बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट A1 कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं। जानना चाहने कि अपने पास जो लैपटॉप होने वाले हैं वो कौन कौन से लैपटॉप होने वाले हैं, और प्लस इसकी क्या गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? जरूर मैम, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महेंद्र जी, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया में जो अपना मटेरियल जाता है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के अकॉर्डिंग जाता है। अब इसमें अपन लैपटॉप की बात करें तो अपना जो लैपटॉप रहता है वो रिफर्बिश्ड रहता है, कंपनी का सिर्फ ओल्ड स्टॉक रहता है मॉडल चेंज के कारण, और जो मटेरियल रहता है वो काफी बढ़िया कंडीशन में रहता है, ऑल ओवर इंडिया में वही मटेरियल जाता है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन करा मुझसे कि वारंटी का क्या प्रोसेस है, तो वारंटी में जैसा आपको मैं बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं जैसे कि एक नई लैपटॉप, आपको एक नया लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल होता है ऑल ओवर मार्केट्स में, ऑनलाइन से परचेस करते हैं, एक आप सेकेंड हैंड परचेस करते हैं जो आपके रिश्तेदारों या मिलने वालों की तरफ से आप परचेस करते हैं, और एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप जो अपन सेल करते हैं। अब इसमें आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ वारंटीज में। न्यू लैपटॉप अगर आप लेते हैं तो आपको एक बढ़िया वारंटी मिलती है, उसका प्राइसिंग आपको जस्ट डबल का डबल मिलता है वहां पे, ओके। सो उसके बाद जो सेकेंड हैंड लैपटॉप होता है वो आपके रिश्तेदारों से लेते हैं, वो आप कोई अगर सेकेंड हैंड लैपटॉप सेल कर रहा है तो वो इसीलिए सेल करता है कि उसको कोई समस्या होती है, कोई 10% लोग ही होते हैं जिनको मजबूरी में सेल करते हैं, तो उनकी जो वारंटी रहती है वो कहीं कुछ नहीं रहती, उसमें कोई वारंटी या कुछ नहीं रहता। जैसे अपन ओएलएक्स वगैरह से परचेस करते हैं, लैपटॉप लिया दिया बात खत्म हो जाए। जी जरूर जी सर। तो उसके बाद आता है रिफर्बिश लैपटॉप। अब अपने पास जो रिफर्बिश लैपटॉप होता है उसमें A1 कंडीशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है, वैसे तो कोई समस्या होती नहीं है, बट अगर कोई समस्या होती भी है तो 7 डेज वर्किंग वारंटी रहता है, उसमें कस्टमर्स को ये पता लग जाता है कि अगर कोई समस्या है तो वो आपको सॉल्वमेंट हो जाती है, पूरा टीम आपके साथ बैठा है, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व की जाएगी। ये लैपटॉप वगैरह की सारी डिटेल्स वगैरह बताइए कि जैसे लैपटॉप 3 तरह का स्टॉक होता है, फर्स्टली न्यू होता है, सेकंड हैंड होता है, रिफर्बिश्ड होता है। रिफर्बिश्ड के बारे में जैसे सर ने बताया कि 7 डे का फ्री ऑफ चार्ज टेस्टिंग वारंटी रहता है, जब लैपटॉप उनके वहाँ पहुंच जाता है तो उसके बाद से उसकी 7 डे टेस्टिंग वारंटी स्टार्ट होती है। सर काफी फ्रेंड्स अगर ये जानना चाहे कि अपने पास जो एलईडी टीवी का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, और प्लस उसमें क्या गारंटी वारंटी क्या रहने वाली है? जरूर मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जो अपना मटेरियल जाता है उसमें अपना एक टॉप ब्रांड है स्मार्ट एस्टेक। तो आप ये पूरा देख पा रहे होंगे, ये स्मार्ट एस्टेक के नाम से एलईडी टीवी आपको यहाँ से अवेलेबल होने वाली है। जी मैम, तो स्मार्ट एस्टेक अपना एक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है
जो अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और सिंगल कस्टमर्स को भी एक बढ़िया रेट में प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आपको वारंटी का भी सिस्टम बता देता हूँ। बेसिकली अपना एक कंपनी है जो कंप्यूटर बाजार ऑनलाइन, उसमें अपन जो स्मार्ट एस्टेट ब्रांड की तरफ से एलईडी सेल करते हैं, वह एक साल की वारंटी के साथ आपको प्रोवाइड होता है। ऑन साइट वारंटी प्रोवाइड होती है, जो आपके अगर कोई समस्या होती है तो अपना जो टेक्नीशियन होता है वो आपके घर पे आता है और जो टीवी है आपकी वो ठीक करके जाता है। जैसा 48 आवर्स, जैसा कि सर ने बताया कि आपने यहाँ पे जो वारंटी मिलने वाली है एक साल की, होम सर्विस वारंटी मिलने वाली है, प्लस इसके साथ जो एलईडी टीवी जो अपना जाता है उसमें वारंटी कार्ड जाता है। जैसे आप वारंटी कार्ड देख पा रहे होंगे, ये वारंटी कार्ड के साथ आपको एलईडी टीवी वहाँ मिलेगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपने सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कंपनी का जो अपना टेक्नीशियन है वो सीधा उनके घर पे जाएंगे और रिपेयर करेंगे। इंडिया नंबर वन कंपनी है जो सीधा होम सर्विस वारंटी कस्टमर को प्रोवाइड करने वाली है। आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनके जो कस्टमर बुकिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं तो बुकिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है वो पूरा अपन एक बार लाइव डेमो करके अपन बताते हैं। जैसे मैं कस्टमर हूँ और आप कंप्यूटर बाजार ऑनलाइन के एग्जीक्यूटिव है, तो उसको किस तरह से अपन हैंडल कर पाएंगे, तो बुकिंग करवाने का क्या प्रोसेस रहेगा? जी मैम, बुकिंग के लिए बेसिकली आपको कुछ मिनिमम चार्जेस पे करने होते हैं कंपनी को, क्योंकि आपका जो मटेरियल रहता है पूरा इंश्योरेंस होकर आता है और आपके मटेरियल का पूरा बिल भी बनता है। ठीक है मैम, तो आपको जो मिनिमम चार्जेस है वो पे करने होंगे, और एक आपका कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी जिसमें आप पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और आपका जो भी अगर कोई अगर आपका कोई विजिटिंग कार्ड है, अगर आप डीलर हैं तो इस तरीके का कोई भी कार्ड हो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू बिलिंग में मेरे को काफी सहायता होती है। ठीक है, और आपको एक दो कॉन्टेक्ट आपको प्रोवाइड करने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंपनी में एक रूल बनाया गया है कि हर स्टेप पे वेरिफिकेशन होते हैं, हर स्टेप पे आपको सूचना प्रदान की जाती है, तो उसके लिए मैसेजेस और कॉल्स जाते हैं, तो दोनों नंबर्स आपको प्रोवाइड करने होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप ये पूरा देख पा रहे होंगे, इसके अंदर सबसे पहले सर ने जैसे बताया कि आईडी प्रूफ वगैरह आपको मंगवाना रहता है, और प्लस इसके अंदर क्या दो कॉन्टेक्ट नंबर आपको मंगवाना है, पिन कोड नंबर, वो सारा डिटेल्स उनका मंगवाना है, और प्लस इसके अंदर ये रहता है कि जैसे पेमेंट करने के लिए जैसे आपको प्रोडक्ट के अंदर पूरा अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है, ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस अकाउंट में आपको पेमेंट मंगवाना है, स्क्रीनशॉट मंगाना है पेमेंट का, उसके साथ उनका पूरा डिटेल्स वगैरह मंगवाना रहता है। काफी फ्रेंड्स वगैरह सोच रहे हैं कि जैसे काफी कस्टमर ये बोलते हैं कि जैसे उन्होंने बुकिंग वो करवाना चाह रहे हैं कस्टमर, लेकिन वो ये बोलते हैं कि मेरे पास कैश पेमेंट है या फिर पेमेंट कम है, तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है? मैम बेसिकली जैसा कस्टमर अगर बोलता है कि मेरे पास में पेमेंट कम है या कैश में पेमेंट करूंगा, तो उस वाले केसेस में उसको ये बताना है कि सर हमारा जो पूरा मटेरियल जो आता है वो कोरियर या से इंश्योरेंस होकर आता है। अब जैसा आपने मुझे बताया था कि अगर कस्टमर के पास में कैश पेमेंट होता है तो उसको क्या करना रहता है, नियर बाय अगर कोई सीएससी सेंटर होता है या कोई बैंक होता है या कोई अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई भी शॉप होती है, वहां पे जाके वो अपना जो कंपनी का अकाउंट नंबर जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, उसमें वो पेमेंट करवा के कंपनी को वो उसका जो पेमेंट सक्सेस होता है उसकी स्लिप वो दे सकता है, देन उसका ऑर्डर यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। फ्रेंड जैसा कि सर ने बताया कि आपको जो रहता है जैसे पेमेंट आपके पास अगर कैश है तो आप नियर बाय कहीं से सीएससी सेंटर हो गया, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन जो जो शॉप वगैरह होती है उस पर आप करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अगर गूगल पे फोन पे नहीं है तो आप एटीएम कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो पेमेंट जो करना रहता है किसी को कैश नहीं देना है, ना ही कुरियर वाले को आप पेमेंट देना है, आपको जो पेमेंट जो करना है कंपनी के लीगल अकाउंट में जिसमें कंप्यूटर बाजार ऑनलाइन का नाम आता है उसी अकाउंट में आपको पेमेंट करना रहता है, आपको कैश किसी को हाथ में नहीं देना रहता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर कैश कस्टमर अगर प्रोवाइड करवाता है तो उसमें क्या रहता है वो क्या उसका जो वारंटी क्लेम होता है मेरे यहाँ से जो बिल बन के जाता है वो उसका फिर बिल का वारंटी होता नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर अगर कंप्यूटर बाजार ऑनलाइन के पेमेंट अकाउंट में पेमेंट करेगा देन यहाँ से पेमेंट वेरीफाई होता है, देन उसका मटेरियल उसको प्रोवाइड होता है एंड फिर देन आगे का वारंटी मेरे यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स देखिएगा, पूरी हमारी डेडिकेटेड टीम ने आपको पूरी ट्रेनिंग दी थी, उस पूरी ट्रेनिंग के अंतर्गत एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी कि किस तरह से आपको कस्टमर्स को हैंडल करना, कैसे आप बात करेंगे। सबसे पहले जब आप कस्टमर को अटेंड करेंगे अपने आप को ट्रेन करने के लिए एक सुपर फॉर्मूला है, आपको 30, 40, 50 या 100 कैंडिडेट कस्टमर से आपको ना सुननी है, आपको केवल और केवल बात करने का तरीका सीखना, प्रोसेस सीखना है कि कैसे आप उनसे बात करेंगे, अपनी स्किल्स और अपने उस वर्ड को जुबान पे चढ़ाना है कि जो हमने ट्रेनिंग दी है। दोबारा रिपीट करेंगे, 7 स्टार की जो हमने आपको ट्रेनिंग दी है उस 7 स्टार की ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट था कस्टमर की पूरी डिटेल, कस्टमर से बात करने की पूरी जानकारी। दूसरा पॉइंट था जिसके अंतर्गत कंपनी की हीरो एंट्री थी, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में ये बताना था, जैसे यहां भी हमने बताया था।
तीसरा पॉइंट वापस रिपीट करेंगे, वो रिपीट था कस्टमर की रिक्वायरमेंट की, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, उससे रिलेटेड पॉइंट हमने बताए थे। चौथा पॉइंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बाद था कि पॉइंट था अपना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट था प्रोडक्ट की जानकारी, कि आपको पूरे प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। वीडियो कॉल पे कस्टमर्स को दिखाना, वीडियो कॉल पे दिखाने का पूरा प्रोसेस हमने आपको बताया। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये क्वेश्चन होता है, यहां तक की पूरी ट्रेनिंग आपको रखनी रहेगी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट फॉलो कि कस्टमर की आपको पाइपलाइन बनानी है। पाइपलाइन के लिए हमने गोल्डन रूल बताया था, ब्रॉडकास्ट में जोड़ना, ये सारा आपको बार बार प्रैक्टिस करना रहेगा। 2-3-4-5 दिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ये सुपर खिलाड़ी बन चुके होंगे इस ट्रेनिंग के। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, इससे बड़ा कोई करियर ऑप्शन नहीं। आज व्हाइट कॉलर जॉब अपने आप को खुद को बिल्ड कर सकता है। लाखों लोग जो है वो हर जगह बेरोजगार की तरह घूम रहे, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा, कोई मजदूरी कर रहा, किसी तरह का वर्क कर रहा। बट फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आज इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म बन चुका है हमारा कंपनी, लाखों की तादाद में आज ग्रोथ कर रही है, बहुत सुपर ग्रोथ रहेगी। आप एक बार पूरी ट्रेनिंग को सीखिए, अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है अपने आप सीनियर से बात करिए, बार बार इसको रिवाइज करिए, आप उसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, कि जो हमने आपको ट्रेनिंग्स में दिए ताकि आप फास्ट अपने आपको रिकवर कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।